कोरोना काल का बच्चों की पढ़ाई के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि इसके कारण ज़्यादातर समय स्कूल बंद रहे और बच्चों को बिना परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट करना पड़ा। अब स्कूल बंद होने के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद पड़ी है, क्योंकि बच्चों को नई कक्षा की किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई। इसलिए अब हरियाणा शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूल के छात्र पुरानी किताबों को नए छात्रों को देंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई संबंधित गतिविधियां शुरू हो सकेगी। बिल्कुल, ये अपना विभाग ने जो इसके लिए एक पत्र जारी कर दिया है और वो पत्र सभी खंड शिक्षा अधिकारी, SMC मेंबर्स, SMC प्रधान और अपना BOs और DEE सभी को ये पत्र जारी किया जा चुका है। इसमें SMC मेंबर्स और अभिभावक और टीचर्स के सहयोग से जो पुराने बच्चों के पास, जो पुरानी कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनके पास जो बुक्स हैं वो एक्सचेंज करेंगे और नए बच्चों को वो देंगे। इसमें SMC मेंबर्स और स्कूल टीचर्स का काफ़ी सहयोग रहेगा और वो सारी किताबें सभी बच्चों को, जिससे पर्यावरण का भी नुकसान होता था, पर्यावरण का भी इसमें बचाव होगा और सभी बच्चों को किताबें सुनिश्चित की जाएंगी। इसमें बच्चों के फ़ोन नंबर हमारे पास ऑलरेडी हैं सभी के, अभिभावकों के भी, शिक्षा मित्र के जरिए। पहले भी हम इसमें राशन भी देते रहे हैं हर स्कूल बच्चे को, तो ये इसके अनुसार बच्चों को जैसा भी संभव होगा कोविड के दौरान उस तरीके से दिए जाएंगे बुक्स। सभी लेटर हमने जारी कर दिए हैं, सभी को हिदायतें दे दी हैं और ये काम इसके ऊपर शुरू हो चुका है। अम्बाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।